हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का स्वागत है एनिमेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लास आप देख ही पा रहे हैं कि नंबर सिस्टम चल रहा है और एक शून्य लेवल से लेकर के चले हैं कि जिस प्रकार से आपका एग्जाम में सिलेबस दिया गया है उसको एकदम मद्देनज़र रखते हुए हर एक चैप्टर को कम्प्लीट हम करने वाले हैं। और आप सब इसका PDF ज़रूर आप टेलीग्राम के माध्यम से भी ले लेंगे और इसके लिंक डिस्क्रिप्सन में होगा, वहाँ से भी आप ले लीजिएगा डाउनलोड करके। और एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा ताकि सवाल को बनाने में कोई भी कठिनाई हो तो दोबारा आप ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों शुरू करते हैं और नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। और ये शिक्षक भर्ती बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर के आए हैं। जुड़ने वाले जितने भी हमारे मित्रगण हैं सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, शुभ संध्या। एक बार नाम ले लेते हैं सबका प्यार और मोहब्बत से। सुनील भैया जी, नीतू कुमारी जी, छाया प्रजापति जी, प्रियंका कुमारी जी, अनिमेश शास्त्री जी, एनी आर्या जी, दीपाली शाह जी, दीप्ति कुमारी जी, प्रिया रानी जी, पुष्पेंदु पात्रा जी, सिंपल लड़का, मुरमुर बुआई जी, गुरुदेव जी, राजकमल जी, पीयूष कुमार जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। पूजा कुमारी जी, सोनी कुमारी जी, सभी को प्रणाम है, सभी को नमस्कार है। हर हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। आवाज़ अगर साफ साफ जा रहा होगा तो आप ओके ज़रूर लिख दीजिएगा और एकदम आप साफ साफ देख पा रहे होंगे तो ओके आप ज़रूर लिखिएगा, तभी जा कर के हम क्लास को कंटिन्यू कर पाएंगे कि आपको कोई परेशानी नहीं हो सुनने में या देखने में, है ना। चलिएगा, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो शुरुआत करें मेरे प्यारे साथियों। तो आज का प्रश्न हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप देख रहे थे 9 नंबर प्रश्न हमने आपको आज बताएंगे। पिछले क्लास में हम 8 प्रश्न तक बात किए थे, उसके बाद आज 9वां प्रश्न है और 9वां प्रश्न ही आपके लिए है। कितना सुंदर प्रश्न है। हमने बात कर रहे हैं मेरे प्यारे साथी, यदि 8 अंकों की संख्या है, 8 अंकों की संख्या आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका 8 अंकों की संख्या है, संख्या 88 से विभाज्य है तो 4x + 3y का मान है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह। अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप इसको कैसे बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2074x है, फिर आपका 4 है, फिर आपका y है, फिर आपका क्या है 2 है, और कह रहा है कि 4x + 3y का मान चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले x और y का मान आपको निकालना है, उनके बाद इसमें मान रख देना हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों क्या कह रहा है, ये x है, ये कह रहा है कि 88 से विभाज्य है और हम पिछले क्लास में बात किए थे 88 से विभाज्य होने का मतलब है कि ये 11 और 8 से विभाज्य होगा, यानी 11 × 8 करते 88 हो जाता है। अगर जो संख्या 11 और 8 से कटेगा तो वो 88 से निश्चित कटेंगे, 88 से भाग लगेंगे। तो 11 का विभाज्यता नियम आप समझ चुके हैं कि क्या होता है कि विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग और सम स्थान पर स्थित अंकों का योग का अंतर्गत 0 11 का गुणज है, वो पूरी संख्या 11 से कटेगा, यानी अल्टरनेट लेके चलेंगे, भी बता देंगे। और 8 से विभाज्यता नियम ये कहता है कि अंतिम 3 को शून्य रहे अंक में, या अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटे तो पूरी संख्याओं 8 से कटेगा। तो मेरे प्यारे साथियों अगर हम बात करें 11 और 8 से, सबसे बड़ी बात है यहाँ भी अगर 3 अंक ये वाला दिखेगा, 3 अंक अगर ये हम देखें 8 से कटना चाहिए तो 8 से कटेगा। तो कैसे, तो यहाँ पे आप लिख देते हैं 4 है, y है, 2 है। अगर मेरे प्यारे साथी यहाँ शून्य रखते हैं तो हम 8 से अगर भाग देंगे, बात को समझिएगा, शून्य रखेंगे तो 8 × 5 = 40, 2 नहीं कटेगा। अगर 1 रखेंगे 8 × 5 = 40, 1 12 हो गया, नहीं 8 से कटेंगे। अगर 3 रखेंगे तो हो जाएगा 8 × 5 = 40, देखिएगा यहाँ 8 × 5 = 40 और 3 बचा 32, 8 से 32 कट जाएगा, यानी कि हम y का मान यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। यहाँ पे किसी को कोई तकलीफ ना हो, एकदम मेरे प्यारे साथी खाली ध्यान से देखिएगा। उनके बाद जब y का मान रख दिए हम, हमारे पास x का मान आना चाहिए था। x कैसे आएंगे तो ये डेबिलिटी हम पूरा का पूरा देखेंगे 11 पर क्या होता है। तो अल्टरनेट कैसे कहते हैं, अल्टरनेट का अर्थ यही होता है कि एक अंक को छोड़ के एक अंक लेने का है। जैसे कि 2 लेंगे तो 7 लेंगे, 7 लेंगे तो फिर x लेंगे, x लेंगे तो y लेंगे, ठीक है। तो इसको लिखिएगा 7×2 9 और 9x और y, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 9 + x + y, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इसको एक साथ ले लिए अल्टरनेट में। फिर से एक बार देखिए अल्टरनेट, आप सब समझ गए, एक अंक को छोड़ के एक अंक की अगर बात हो रहा हो तो। अगर आपको फिर देखिए यहाँ पे इसको लेंगे, शून्य लेंगे, 4 लेंगे, 4 लेंगे, फिर ये 2 लेंगे, यानी 4 4 8 और 2 10 लेंगे। अब मेरे प्यारे साथी इसका अंतर या शून्य हो या 11 का गुणज हो, 11 का गुणज हो, वो पूरी संख्या किससे कटेंगे। एकदम आराम से चल रहे हैं, आप सभी सवालों को बना दीजिए। अगर ये संख्या अगर 11 से कट गया तो इसका मतलब है मेरे प्यारे साथियों कि हमारा x का जो मान है वो निकल जाएंगे। अब यहाँ पे एकदम आप आसानी से देखिएगा क्या मान रख सकते हैं। यहाँ पे हमारा 10 है, यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो x + y का मान 1 आएगा और 9 1 10 10 में 0 हो जाएगा, लेकिन y का मान कम से कम यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 है, 3 से ज़्यादा हो सकता है, अगर मान डिपेंड करेगा x पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान रखना 1 नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 रखिएगा तो y का ही स्पेशल मान 3 है तो 1 रखने से होगा नहीं। इसका मतलब शून्य वाला बात को छोड़ दीजिए, अब 11 का अंतर लाना है तो कितना रखेंगे यहाँ x प्लस वाई की जगह 12 रख दीजिए। 9 12 कितना होता है मेरे प्यारे से, तो 21 होता है। 21 में 10 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, यानी 11 का गुना जा गया वो संख्या पूरा 11 से कटेगा, यानी x प्लस वाई 12, जिसमें से y 3 देख रहे हैं और x हमारा मान निकालेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि x 9 y 3 9 3 12। क्लियर है, मान पूछा जा रहा है इनका तो इनका मान निकाल लीजिए आप। 4 गुना क्या कर देंगे मेरे प्यारे साथियों 9 कर देंगे, प्लस 3 गुना क्या कर देंगे y का मान कितना है 3 रख देंगे। 9 चौक 36 और इधर 3 तिया 9, भैया एकदम इसको आप लिख लो। 36 9 क्या होता है 45 होता है, 45 होता है, जो आप देख पा रहे हैं कितना नंबर ऑप्शन पे है, चौथा नंबर ऑप्शन पे है। एकदम क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, तो आप सबका आंसर आ चुका है चौथा नंबर। एकदम इसको बना भी डाले, सभी मित्रों को जरूर शेयर करिए और लाइक जरूर कर दीजिए आप सब। क्लास एकदम आज जबरदस्त नंबर सिस्टम है, भारी थोड़ा लगेगा लेकिन उसको हम आसान बना देंगे। और कहते हैं एक प्रश्न अगर आपसे बन गया तो मेरे प्यारे साथियों निश्चित है कि आप 1 नंबर ज़्यादा किसी से भी ले आएंगे। यदि 8 अंकों की संख्या यहाँ है, यहाँ 72 से बात हो रहा है, देखिएगा 72 से विभाज्य है तो 5x - 3y का मान होगा। अगर हम यहाँ बात करें 7 8 9 x 5 3 1 y, हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसको बनाइए, तो देखते हैं सबका आंसर क्या आएगा 72। हमको चाहिए मेरे प्यारे साथी इसका मान, तो हम x y निकालना चाहेंगे। हम आपको याद दिला दें कि 72 तभी कटेगा जो 9 और 8 से कटे, इसके मतलब 24 तिया भी 72 लिखेंगे, 24 का भी गुना जानिएगा, लेकिन हम ये कोशिश रखेंगे कि 1 से लेकर के जो हम 19 तक यानी 20 तक जो हमारा प्रॉपर्टीज कहता है विभाज्यता नियम जो जानते हैं हम, उस ही टर्म में तोड़ने से फ़ायदा है, क्योंकि 9 का भी विभाज्यता भी जानते हैं, 8 का भी विभाज्यता जानते हैं। 9 का विभाज्यता हम पिछले क्लास में चर्चा किए कि संख्या का योग 9 से कटे तो पूरी संख्या 9 से कटेंगे, और 8 तो अंतिम 3 को सुनना हो या 3 अंक कटने का हो तो पूरी संख्या 8 से कटेगा। अब मेरे प्यारे साथी एक चीज़ आप बात करिए, यहाँ पर हम अगर 3 अंकों की बात करें, यहाँ अगर हम 3 अंकों की बात करें तो क्या है 3 है 1 है y है, इसका मतलब साफ है कि हम y के जगह हम मान रख करके चलेंगे तो हमारा वो एकदम आसानी से कटने को तैयार होगा। अगर देखिएगा यहाँ से भाग दीजिए पहले इसमें आप, 8 तिया 24 होता है, 8 चौक 32 हो जाता है, 24 होता है तो कितना बचता है आपके पास 7 बचता है, 24 7 31 होता है 7। अगर यहाँ 2 रख देंगे, 0 रखिएगा 70 आएगा, 1 रखेंगे 71 रहेंगे, 2 रखेंगे तो क्या होगा 72 हो जाएगा, 72 कट जाएगा, यानी मेरे प्यारे साथी y की जगह क्या होगा 2 होगा। कैसे, क्योंकि 3 1 2 अगर रखने वाला, देखिए 7 चौक यहाँ पे बात कर रहे हैं 8 तिया 24 और 7 क्या हो जाएगा बच जाएगा 31 होने में, तो हमारा बचा 72 और आप लगा सकते हैं 9 टी 72, यानी y का मान क्या हो जाएगा भैया 2 हो जाएगा। आप y का मान 2 यहां रख सकते हैं। अब एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, अरे क्या हो रहा है, चलो भैया देखिए अब यहां से अगर हम बात करें कि y का मान आ गया, हमको x का मान कैसे होगा, तो आप एकदम निकालिए संख्या का योग, क्योंकि 9 का विभाज्यता क्या कहता है भैया संख्या का योग 9 से कटे, तो लिखेंगे 7 प्लस 8 जोड़िएगा तो 8 7 भैया 15 15 और 9 अगर जोड़ते हैं तो 15 9 हो जाता है कितना आप बोलिए, एकदम आप जोड़ते जाइएगा 15 9 24 24 और 5 जोड़ेंगे 29 29 और 3 भैया हो गया 32 32 एक 33 यानी कि 33 और आप प्लस x प्लस वाई लिख सकते हैं, 33 और प्लस x प्लस आप क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं, ऐड कर दीजिए। यानी इसमें से आपको एक चीज़ पता है कि y का मान हमारा क्या आ चुका है 2 आ चुका है। अब 33 2 35 35 तो 9 से नहीं कटेगा, आखिर x का मान हम क्या रखेंगे जो हमारा 9 से कट जाएगा। तो एकदम सिंपल सी बात है मेरे प्यारे साथी, एकदम ध्यान से देखिएगा क्या रखना है। यहाँ पे 33 2 35 x का मान 1 रख दीजिएगा तो 36 हो जाएगा, और 36 किससे कटेगा 9 से कटेगा, इसका मतलब है कि x का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। थोड़ा सा आपको मेहनत करना, ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करना है। उनके बाद आप आंसर निकाल लीजिए, 5x का मान रख दीजिए 1 और उसके बाद माइनस, और नहीं समझिएगा तो बोलिएगा मेरे प्यारे साथी समझा देंगे। 5 में 3 दूनी 6 घटा देंगे तो -1 हो जाएगा, और -1 जहाँ पर है वहाँ आप आंसर लगा के चले आइए, कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। चलिए मेरे प्यारे साथियों समझ गए। अगला प्रश्न हम लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न बहुत इजी है क्योंकि यहाँ x प्लस वाई कह रहा है, एक साथ आपका निकल जाएगा, और 44 से विभाज्यता नियम भी बता रहा है। तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे साथी, यदि 6 अंकों की संख्या 15 x 1 y 2 संख्या 44 से विभाज्य हो, यानी 15 x 1 y 2 किससे विभाज्य हो 44 से विभाज्य हो तो x + y का मान आपको निकालना है। तो एकदम आप साफ साफ देखिएगा कि भैया 44 से तभी कटेगा जो 11 और 4 से कटेगा। आप कोई कहेंगे 22 दूना 44 होता है, 22 का विभाज्य, फिर 22 को लाइएगा तो 11 लाना पड़ेगा। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों साफ साफ का आंसर देखते हैं किसका सबसे फास्ट आ रहा है। आंसर एकदम बता दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, आंसर बता देंगे मजा आ जाएगा, है ना। चलिएगा आंसर एकदम आप सब बताइए इसका, देखिए आंसर क्या आपके लिए आ रहा है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों। 4 से कटने का मतलब है यहाँ पे हम अंतिम 2 अंक सुनना होना चाहिए या 2 अंक कटना चाहिए, पूरी संख्या किससे कट जाएगा, यानी कि आपका 4 से कट जाएगा। और एक चीज़ आप ये भी देखिएगा, अल्टरनेट करके देखें 11 से कटना चाहिए। तो हम दोनों कंडीशन यहाँ अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर अगर 1 रखेंगे 12, 4 × 12 शून्य रखेंगे तो 2 नहीं कटेगा, 1 रखने के बाद कट जाएगा, नहीं 12 × 4 = 12। तो y के जगह हम क्या देख सकते हैं, 1 देख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। उनके बाद अगर हम बात करें इनको अल्टरनेट लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ लेंगे 1x लेंगे फिर y लेंगे, यानी लिख सकते हैं हम 1x + y, यानी 1x + y। उनके बाद क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 5 और 1 6 6 2 8 लिख सकते हैं। अब मेरे प्यारे साथी क्या मान रखिएगा यहाँ पे, जो कि आपका शून्य हो जाए, 11 का गुणज हो जाए। तो कहेंगे सर जी एकदम ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x+ अगर y का मान रखेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा और 7 × 1 = 8 में क्या हो जाएगा भैया, शून्य हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। इसका मतलब है ये नहीं भी निकालते y का मान, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, अगर ये हम y का मान नहीं भी निकालते तो भी हमारा ये आंसर हो जाता, x + y का मान ही कह रहा था। कैसे, क्योंकि देखिएगा ये और ये अंतर होना चाहिए था शून्य, या 11 का गुणज होना चाहिए था। तो देखिए कि यहाँ पे 1 + x + y है और माइनस क्या है आपका 8 है। अगर x + y यहाँ 7 रखेंगे तो 7 × 1 = 8, 8 में 8 शून्य, 11 से कटेगा। और यही x + y का मान क्या कह दिया, 7, तो हमारा भैया x + y मांग रहा है तो 7 लगा देंगे। अगर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, उसमें से कह रहा है कि y का मान 1 है, अगर 1 रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, है ना। चलिएगा नेट नहीं चल रहा है, हम तो यहाँ साफ साफ देख पा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी नेट नहीं चल रही है तो थोड़ा क्षमा चाहेंगे और आप थोड़ा सा नेट उपलब्ध करा लीजिए। अगला सवाल देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या है, 4x 5 7 3 y। सेम सवाल है क्या ये, नहीं सेम सवाल नहीं है। तो ये सवाल को बना दीजिए मेरे प्यारे साथियों, देखते हैं कितना फास्ट आप सब बनाते हैं इसको। 4x 5 7 3 y, थोड़ा स्टैंडर्ड सवाल लिए हैं क्योंकि स्टैंडर्ड सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है भैया, क्योंकि आप स्टैंडर्ड तैयारी रखोगे तो एकदम ज़बरदस्त बन जाएगा। अगर कह देता है कि भैया इसमें 72 से नहीं देके देता 9 से विभाज्य है या 8 से विभाज्य है, तो आसानी से निकाल देते हैं। तो 72 थोड़ा इसीलिए देने लगा कि आप उसका फैक्टर भी करने के लिए जानेंगे और फैक्टर अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ से अगर सर जी नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है सर जी। आप सबका नेट कंप्लीट हो गया होगा, नेट खत्म हो गया होगा, यहाँ तो चल रहा है सही से भैया। इनको देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें 72 से कटने की, मतलब साफ साफ सुथरा है कि ये 9 × 8 = 72, 9 और 8 से कटे। जब यहाँ 8 से चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, कहेंगे क्यों सर, क्योंकि x + y पूछा गया है तो एक साथ निकल जाएगा। कैसे मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि 4 5 9 9 7 16 16 3 19, ठीक है 90, और यहाँ x + y। तो मेरे प्यारे साथियों x + y, और कहता है ना कि 9 से पूरा कटे, इसका मतलब है संख्या का योग 9 से कटे। x y का मान इनमें से क्या रखिएगा जो कि वो 9 से कट जाएगा। तब मेरे प्यारे साथियों अगर 9 रखिएगा 19 × 9 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला बात खत्म करते हैं। 4 रखें 19 4 23, नहीं कटेगा भैया। 8 रखिएगा तो 19 8 27, इसका मतलब x + y की जगह 8 होगा तो 27 पूरेगा, वो 9 से कट जाएगा। 8 से चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि भैया यहाँ पे कह रहा है x + y का मान। अलग अलग अगर निकालना क्या होता है x y, तो हम यहाँ पे y के बारे में ज़रूर सोचते कि देखते क्या मान आएगा जो कि भैया 8 से कटे। समझ रहे बात को, तो यहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। सभी का आंसर मेरे प्यारे साथियों आ रहा है, बताइए किसी को कोई तो तकलीफ तो नहीं हो रहा है। कहेंगे नहीं सर नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। अब आपको जनरली इस प्रकार के भी प्रश्न मिलेंगे, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम का ही है। x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 463938 संख्या 11 से विभाज्य है, यानी कोई लफड़ा नहीं करना है, आराम से बना लेना भैया 393। सबको अब कोई प्रॉब्लम है, देख पा रहे हैं साफ साफ मेरे प्यारे साथियों, 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य का मतलब अल्टरनेट संख्या लेना है। जैसे अल्टरनेट लेने का मतलब हम पेन थोड़ा चेंज कर लें, कहेंगे यस सर 4 3 7 7 3 10 10 8 क्या हो गया 18 हो गया। अब दूसरा अल्टरनेट अगर लेना है मेरे प्यारे साथियों, ले लेते हैं 6 9 15 15 प्लस x, यानी 15 प्लस x की बात है तो 15 प्लस x ले लिए। अब यहाँ एक चीज समझिए, इन दोनों का अंतर जो होना चाहिए 0 या 11 का गुणज होना चाहिए, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन आपके पास है, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ 5 रखेंगे 15 5 20 18 20, 2 का अंतर नहीं होगा। 3 रखेंगे 15 3 18 18 में 18 शून्य गया, आंसर हो गया, मार देंगे कितना नंबर ऑप्शन, आप दूसरा नंबर लगा के एकदम जबरदस्त तरीके से आ जाएंगे। प्रिया रानी जी नेट नहीं चल रहा है सर जी, नेट चलेगा, आप नेट खत्म हो गया होगा आपका, और बाकी किसी को दिक्कत नहीं है ना भैया, नेट का शिकायत आ रहा है, नेट का आखिर कोई परेशानी है क्या नेट में, बताइएगा। हमें तो यहाँ साफ साफ चल रहा है, साफ साफ दिख रहा है, मज़ा भी आ रहा है आप सबों के साथ क्लास लेकर के। देखिए भैया ये सवाल बहुत सुंदर है, ये सवाल आप थोड़ा देख लो। आप ऐसा जानते हैं भैया, जब तैयारी कर रहे हैं, हम पहले कहा करते थे, बात है कि देखिएगा जब होता था ना, हम कहते थे जो शिक्षक का तैयारी करते हैं भैया वो कंपटीशन का तैयारी करो, कहता था सर क्या तैयारी करेंगे हम तो शिक्षक बनेंगे, ऐसे कह देता था हम शिक्षक बनेंगे, बोले कि शिक्षक बनेंगे, बात मानते हैं, तैयारी रहेगा तो हो सकता है किसी में और ऑप्शन मिले और आपको जानकारी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। कहता ना सर सीटेट पास कर लिया, बीएड है, सीटेट भी पास किया, स्टेट भी हमारे पास है और डीएलएड भी है, नौकरी तो मिल जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों फिर वही मुद्दे पर आ जाते हैं कि हम लोग को एकदम जानकारी करंट कहते हैं, करंट से लेकर के, साइंस से लेकर के, समान ज्ञान से लेकर के, मैथ से लेकर, रीजनिंग से लेकर के, सारे कंपटीशन का पढ़ना है, यानी वहाँ पे भी आपको कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो कहते हैं ना, इसीलिए मेरे प्यारे साथियों ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम बहुत से कहते थे भैया तैयारी कर लो, कहता नहीं सर हम कंपटीशन नहीं करेंगे, हम तो सीटेट पास है, टीचर बनेंगे। चलो भैया बनना चाहिए, और इतना सरकार वेतन देगी तो आपसे एग्जाम तो लेगी भाई। कहता है क्या 3 8 9 x 3 6 7 8 y संख्या 72 से विभाज्य है तो 6x + 7y रूट अंडर के साथ मान निकालना है, तो कैसे निकालोगे भैया, 3 लिख दो, 8 लिख दो, 9 आप x, 6 3 7 8 y आप लिख दीजिए, एकदम क्लियर है। इनमें मेरे प्यारे साथी एक चीज आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, समझिएगा 72 से विभाज्य है, यानी ये 72 से विभाज्य है। अगर 72 से विभाज्य इसका मतलब 9 और 8 9 ही 72। अब एकदम सीधा सीधा समझिएगा, यहाँ पे एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से हम बात करेंगे मेरे प्यारे साथी सवालों में लेकर के, है ना। अब देखिएगा अगर यहाँ हम पकड़ते हैं इस अंकों को, तब लास्ट में y का मान निकालना है, इसका मतलब हम कह दें यहाँ पे की जा करके, हंस रहे हैं आप सब, बहुत अच्छा बहुत सुंदर। 8 से कटाने का मतलब भैया यहाँ y हम देखेंगे 3 अंक, यानी कि 8 से कटना चाहिए, तो 7 8 और यहाँ पे क्या रखेंगे, तो कहेंगे सर पहले इसमें भाग देंगे 8 से। देखिए तरीका क्या होता है, 9 8 72 बचा कितना 6, अब 6 बचा, इधर 0 रखेंगे, 60 नहीं कटेगा, 61 नहीं कटेगा, 62 नहीं कटेगा, 63 नहीं कटेगा, 64 कट जाएगा, यानी अगर 4 यहाँ आएगा तो देखिएगा यहाँ कटाते हैं 9 8 72 6 64 88 64, यानी y की जगह क्या हो जाएगा प्रभु 4 आ जाएगा। अब y की जगह 4 आ गया तो 9 से, अब विभाज्यता नियम जानते हैं कि संख्या का योग, तो संख्या का योग निकालना है, कहेंगे सर निकाल लीजिए। देखिएगा 8 3 11 11 9 20 20 और 6 26 26 3 29 29 और 7 36 36 8 44 44, उसमें एक्स वाई भी है, इसका मतलब एक्स प्लस वाई। अब मेरे प्यारे साथियों एक चीज समझिएगा, जिसमें वाई कितना है 4 है, और 44 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। 48 में कितना जोड़ेंगे जो 9 से कट जाएगा, 48 9 से नहीं कट रहा है, 49 भी नहीं कटेगा, 50 भी नहीं कटेगा, 51 भी नहीं कटेगा, 52 भी नहीं कटेगा, 53 भी नहीं कटेगा, 54 कटेगा। अगर ये योग 54 हो तो वो पूरा 9 से कट जाएगा, इसका मतलब हम 48 तक पहुंच चुके हैं। 44 यहाँ 4 यहाँ 48 में कितना जोड़ेंगे, तो कहेंगे सर इसमें 6 जोड़ देंगे, 48 6 54 होता है, यानी x का मान 6 हो गया। हमारा संख्या 9 से कटेगा, और जब 9 से कटेगा तो भैया हमारा x और y का मान भी पता चल गया, तो हम आंसर डायरेक्ट रख देंगे, कहेंगे रख दीजिए सर रूट अंडर है तो रूट अंडर करिए, x का मान है भैया 6 के 36 लिखिए यहाँ पे, और यहाँ पे y का मान 4 है तो 7 चौक 28 लिखिए, और 36 और 28 क्या 64 होता है, और इसका वर्गमूल 8 होता है, तो आंसर क्या लगा देंगे, चौथा नंबर लगा के चले आएंगे, है ना मेरे प्यारे साथियों। डिप्टी जी, राज शिवानगी जी ने मत, हाँ नेट, हाँ सर जी फिर प्रॉब्लम हो रहा है। आप प्रॉब्लम नेट छाया प्रजापति, आपका नेट जो है नहीं चल रहा है, यानी कि नेट खत्म हो गया। कोई बात नहीं, पढ़ाई में नेट खत्म हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिन भर बचा के रखना है कि शाम को भी सुंदर सुंदर क्लास होता है सर का, और यहाँ से हमें पढ़ लेना है। तो चलिए, जब 732 को किसी धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 12 रहता है, x के कितने मान हो सकते हैं? मेरे प्यारे साथी, ये सवाल बहुत ही सुंदर है। देखिए, ये सवाल अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप इसको कैसे बनाएंगे, कैसे समझिएगा। यानी कहता है कि 732 को, ध्यान दीजिएगा भैया, 732 को किसी धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है। अगर किसी संख्या से विभाजित करें, किसी, यहाँ लिखा किसी धन पूर्णांक, कोई एक धन पूर्णांक है, अगर उससे हम कहते हैं कि भाग करें उसका क्या है x से, x की जगह कोई संख्या है, विभाजित किया जाता है तो शेष 12 रहता है। अगर किसी से हम भाग देते हैं तो शेष कहता है क्या रहता है, 12 रहता है। तो x के कितने मान हो सकते हैं? यानी x के एगो मान होगा, दो गो होगा, तीन गो होगा, चार गो होगा, आखिर कौन कौन से यहाँ संख्या आएंगे जो शेष 12 छोड़ेगा, 12 बचेगा, आखिर क्या गो मान होगा? 19 गो होगा या 18 गो होगा या 16 गो होगा या 20 गो होगा? इस बात पर फोकस करिएगा मेरे प्यारे साथियों। बहुत ये सुंदर प्रॉब्लम सवाल है और इस सवालों को आप बना सकते हैं। इसका मतलब साफ साफ है मेरे प्यारे साथियों, बताते हैं, सुनिएगा कैसे। अगर ये 12 शेष बच रहा है जो किसी संख्या से आप भाग दे रहे हैं, अगर ये शेष ना बचता तो इसका मतलब ये पूरी तरह से कट जाता। पूरी तरह से कटने वाली संख्या क्या होगा? तो कहेंगे सर 12 कम होगा, इसका मतलब 2 में 2 शून्य, 3 में 2 2 में शून्य, 3 में 1 गया भैया, कितना 2, और उसके बाद 720 होता। यानी वो संख्या मेरे प्यारे साथियों जो होता कितना होता, 720 होता। जा करके भाग देते तो 12 शेष नहीं बचता। इसका मतलब 720 है वो संख्या भाग लगने वाली है। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि 720 संख्या जो है आखिर ये कितने संख्याओं से भाग लग रहा है। ये टोटल 720 जो है कितने संख्याओं से भाग लग रहा है, ये तो निकालने का तरीका हम बताएं पिछले क्लास में। तो 720 का क्या करते थे पता है मेरे प्यारे साथियों? फैक्टर करते थे। क्या करते थे? फैक्टर। बोलिए क्या करते थे? फैक्टर करते थे। तो 720 का हम फैक्टराइज कर लीजिए पहले, ध्यान दीजिएगा। 2 से लगाएंगे 36×72 हो जाएगा भैया, 2 से लगाएंगे 180 हो जाएगा। कहीं दिक्कत हो खाली बोल दीजिएगा, ये 90 हो जाएगा। ये 2 से लगाइए तो 45 हो जाएगा, और यहाँ आप लगा दीजिए 3 से भैया तो 15 हो जाएगा, और यहाँ लगा दीजिए 3 से तो ये 5 हो जाएगा। एकदम बात तो यहाँ पर क्लियर है। अब इनको आप क्या लिखते हो तो कहेंगे कि सर 2 पर पावर हम लिख देंगे 4 लिख देंगे, और 3 पर पावर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, और 5 पर पावर क्या लिख देंगे भैया 1 लिख देंगे। 5 पर पावर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, है ना। अब यहाँ से एकदम मेरे प्यारे साथी समझिएगा, इसको 1 बढ़ा के लेते थे तो 5 लिखते थे, 2 से 1 बढ़ा के लेंगे। बोलिए सभी गुणनखंडों की संख्या, भाज की संख्या निकालें। 3 लिखते थे और 1 बढ़ा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब यहाँ एक चीज़ आप समझिएगा, 5 ते 15 दूनी 30, यानी कहने का मतलब जो है कि देखिए 15 दूनी 30, यानी 30 गो संख्या है जो 720 को भाग कर सकता है। बात को समझिएगा, यानी कि कह रहा है कि अगर 7 तो यहाँ पे 720 अगर रहता तो यहाँ पे क्या गो ऐसी संख्या आता, 30 गो संख्या आता जो कि 720 को क्या कर देता, भाग कर देता। सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, क्या कर देता, 720 को भाग कर देता। कौन कौन संख्या होता 30 गो, तो आप ऐसे लिखते, 1 से भी भाग लगेगा 720 में, 2 से भी भाग लगेगा 720 में, 7 दूनी 9 है, 3 से भी भाग लगेगा, 4 से भी भाग लगेगा, 5 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा, 8 से भी लगेगा, फिर 12 से भी लगेगा, 10 से भी लगेगा। यानी काउंटिंग करते टोटल कितना होता, 30 गो होता। लेकिन भैया कहता है 12 शेष बच रहा है, इसका मतलब साफ साफ ये ध्यान रखिएगा कि 12 शेष बच रहा है। इसका मतलब जो भी संख्या भाग देने वाला होगा ये 12 शेष बच रहा होगा, तो 12 से ये छोटा जो भाग देने वाला मान कभी नहीं होगा। क्या 1 से भाग देंगे 12 बचेगा? क्या 2 से भाग देंगे 12 बचेगा? क्योंकि 2 से ये भी कट रहा है, ध्यान दीजिएगा। 3 से भाग देंगे कभी 12 बचेगा नहीं, बचेगा, क्योंकि 3 से ये कटेगा तो 12 नहीं बचेगा। 4 से भाग देंगे बचेगा नहीं, 5 से भाग देंगे नहीं बचेगा, क्योंकि 5 दूनी 10 यानी 2 बच सकता है। यहाँ पे यहाँ 2 बार में और कट रहा था, यहाँ अगर 6 रखेंगे 6 दूनी 12, 7 रखेंगे 7 एक्का 7 तो भी 5 बचा, 8 से रखेंगे 8 एक्का 8 तो भी 4 बचा, 9 से भाग देंगे 9 एक्का 9 तो भी 3 बचा, 10 से भाग देंगे 10 एक्का 10 तो भी 2 बचा, 11 से भाग देंगे 12 से भाग देंगे। यानी ये मेरे प्यारे साथियों कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 ऐसे जितने भी संख्या आएंगे, बात को समझिएगा, ये सारी संख्या इसमें क्या लगेगा, भाग नहीं लगने वाले रहेंगे। यानी वो भी क्या, और हम पूछ रहे हैं, हमसे पता कर रहे हैं कि 720 में टोटल कितनी संख्या से भाग लग रहे हैं, 30 संख्या से, और कितनी संख्या से भाग नहीं लगेंगे जो 12 शेष बचे। तो कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद यहाँ 8 से 9 72, और उसके 9 से भी, और उसके बाद 10 से भी, यानी उसके बाद 12 से भी। क्या वो मेरे प्यारे साथियों है जो कि 30 में से इधर जो भाग नहीं दे सकते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो ऐसी संख्या हमारे पास है जो कि यहाँ पे नहीं रख के भाग दे सकते। इसका मतलब टोटल भाग लगने वाले 30 हैं और यहाँ इससे भाग नहीं दे सकते। इसका मतलब 30 में से हम कितना घटा देंगे, 10 घटा देंगे, तो हमारे पास 20 वो ऐसी संख्या है। सुनिएगा, 20 वो ऐसी संख्या है जो 732 में भाग देंगे, 12 से बचेगा, और 720 में भाग देंगे तो जो है 20 वो ऐसी संख्या है जो कि भाग उधर लग जाएंगे 12 से बाद वाले। समझे बात को? तो हमारा आंसर क्या हो जाएंगे, चौथा नंबर हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न था मेरे प्यारे साथियों ये। अब ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को परेशानी हुआ होगा मेरे प्यारे साथियों बताइएगा। ये प्रश्न बहुत सुंदर था। इस प्रश्नों को अगर एक बार हम चर्चा यहाँ करें तो इस प्रश्नों में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात था कि 732 को कितने संख्याओं से भाग कर सकते हैं जो 12 से बचे। तो हमने सबसे पहले पता किया कि आखिर जो संख्या होगा भाग लगने वाली कौन सी संख्या होगा, तो 12 हमने घटा दिए, 720 है। 720 में कुल कितनी संख्या से भाग दे सकते हैं, यानी 30 को संख्या से भाग दे सकते हैं। 12 से बचने का अर्थ सीधा सीधी है मेरे प्यारे साथियों, 12 से बचने का सीधा सीधी अर्थ है यानी कि जो भी भाग देने वाली संख्या होंगे 12 से बड़ा होंगे। इसका मतलब 12 से बड़ा होंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा, यानी 12 तक जो ये संख्या आई तो नहीं आएंगे ना, यानी 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 तो यहाँ पे नहीं आएंगे, 12 के बाद आएंगे। 12 के बाद क्या आएंगे, 15 आएंगे। 15 से अगर भाग दे दीजिएगा, 15 चौकी 60 और बचा कितना 12, 15 ठी 20 से, यानी लग जाएगा, यानी उससे बड़ा सब संख्या आएंगे 12 से। तो कुल कितने हम देखें, टोटल 30 में से इधर हम 10 गो को छांट लिए तो हमारे पास कितना बचा, 20 बचा। तो हमारा आंसर क्या हो गया भैया, 20 गो ऐसी संख्या है जो 720 में भाग लग जाएगा, और वही 732 रखेंगे तो 720 की जगह कितना शेष बचेगा, 12 शेष बचेगा। बोलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर ये सबसे भाग देते 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से 12 से, तो क्या यहाँ पे 12 शेष बचने का रखता, नहीं रखता, क्योंकि उनसे तो ये छोटा है। एकदम क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है, वो क्या कहता है, ध्यान देंगे। सबसे पहले इस प्रश्नों को आप बनाइए, तब तक थोड़ा जो प्रॉब्लम हो रहा है इस प्रॉब्लम को हम दूर करें। इस प्रॉब्लम से थोड़ा समस्याएं दूर हो जाएंगे आने वाले समय में, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए सवालों को ही बना डालिए। क्या कहता है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या 3 2 3 6 5 स्टार, ये स्टार है ऊपर, टाइपिंग में थोड़ा ऊपर आ गया है तो स्टार यहाँ स्टार 4 में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से क्या होनी चाहिए, यानी विभाज्य हो। मेरे प्यारे साथियों कहने का मतलब है 2 3 6 5 आपके पास स्टार है और यहाँ 4 है। यदि स्टार के स्थान पर अगर कौन सी संख्या लाएंगे जो इस संख्या किससे भाग लग जाए, यानी मेरे प्यारे साथियों 4 से भाग लग जाए। तो 4 का विभाज्यता रूल आपको बताए हैं कि अंतिम 2 अंक या तो 2 को 0 मिले या अंतिम 2 अंक मेरे प्यारे साथियों क्या हो, 4 से कट जाए। तो आपके पास जब ऑप्शन रहे ना तो ऑप्शन से आप उठा लो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन से निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे कह भी क्या रहा हुआ, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी बड़ी रखना है जो संख्या इतना स्टार में से क्या स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से लग जाए। तो भैया यहाँ पे अगर 94 रखेंगे तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा, 9 बड़ा था, 8 रखिएगा कट जाएगा, 4 दूनी 8 4 1 4। यहाँ 2 रखने के बाद भी 24 कट जाएगा, लेकिन हमको बड़ी लेना है तो बड़ी तभी आएगा जब भैया यहाँ पे 2 3 6 5 8 4 होगा। या 8 4 बड़ा या 2 4 रखने से बड़ा होगा या 9 4 रखने से बड़ा होता। देखिए कैसे, 2 3 6 5 स्टार की जगह पहले 9 रखेंगे, 4 रखेंगे, ये तो 4 से कटेगा ही नहीं, ये तो होगा नहीं। तो फिर रखेंगे 2 3 6 5 रखेंगे, 9 की जगह क्या रखने वाले हैं भैया, तो 8 रखने वाले हैं, 8 रखिए, फिर 4 रखिए। अगर ये कट रहा है तो हमारा आंसर भैया यहीं पे हो गया, बाकी छोटा रखने की जरूरत नहीं है। 2 भी रखिएगा 24 आएगा, वो 4 से कट जाएगा, लेकिन छोटा नहीं रखना है क्योंकि देख रहे हैं वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इतना स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि वो 4 से विभाज्य हो। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। एक बार लाइक आप सब जरूर ठोक दीजिए। एकदम आपका भाई, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका दुश्मन सब मेहनत करके लगा हुआ है इसमें मेरे प्यारे साथियों। वो बड़ा अंक क्या है जिससे संख्या इतना हमें स्टार के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए ताकि यह संख्या क्या हो जाए, 9 से विभाज्य हो जाए। यहाँ भी वो बड़ा अंक की बात हो रहा है, इसका मतलब 11 9 0 उनके बाद स्टार लगाइए भैया। 6 में आखिर कहता है किससे भाग लगना चाहिए, 9 से, तो 9 का विभाज्यता नियम आप जानते हैं। क्या जानते हैं, संख्या का योग अगर 9 से कटे वो पूरी संख्या 9 से कटेगा। कहने का अर्थ साफ साफ है। अब देखिएगा 1 1 2 और 2 और 9 11 11 6 क्या हो जाएगा भैया, 11 6 17 हो जाएगा। आखिर 17 में स्टार की जगह क्या जोड़ेंगे जो कि हमारा 9 से कट जाएगा, यानी ये जो योग होगा 9 से कटेगा, पूरी संख्या 9 से कटेगा। बड़ा रखने की बात है, पहले रखिए 9। अगर 17×9 देखिएगा कितना होगा भैया, आप बोलिएगा 17×9 सर 26 होता है, 26 9 से नहीं कटेगा। 3 रख दीजिए तो कहेंगे 17×3 19 होता है, यही कह रहा है, कहीं छूटा तो नहीं है। 9×6 15 15×2 17, ठीक है तो है 1190। उसके बाद भैया कहेंगे कि यहाँ पे रखेंगे तो 3 से नहीं कटेगा, 17×9 19। 1 रखेंगे तो 1 रखने के बाद 17×1 18 हो जाएगा, इसका मतलब 9 से कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 1 हो जाएगा। सबका आंसर आ गया एकदम बी नंबर, क्लियर है, जबरदस्त मेरे प्यारे साथी, बहुत ही सुंदर, एकदम बहुत ही अच्छा। सभी प्रश्नों को एकदम फटाफट बनाते जाइए आप, मजा आ गया। यानी हम क्या कर देंगे, 1 रख देंगे, है ना, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका मेरे प्यारे साथियों 1 नंबर स्टार्ट होता है। एकदम ध्यान से देखिएगा, यह प्रश्न जो है कितना सुंदर है और कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करता है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तो निश्चित है कि आपके रिजल्ट आपके हाथों में रहेंगे मेरे प्यारे साथी, कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, कहता है 77 है और गुना 85 है, उनके बाद कहता है 73 में कहता है 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों एक चीज समझिएगा, यहाँ पे अगर इसको गुना करके भाग दे करके कोई भी बना देगा आंसर तो आ जाएगा आपका, लेकिन टाइम तो आपको चाहिए दूसरे के लिए, क्योंकि आपको 120 क्वेश्चन भी बनानी है जिसमें 50 आपको उसमें रहना है मैथ रीजनिंग लगभग। तो मेरे प्यारे साथियों उसको टाइम लगेगा, टाइम कैसे बचाओगे, तो ये रिमाइंडर और शेषफल का प्रमेय थ्योरम काम करता है। क्या करता है देखिएगा, यानी ये गुणनफल में संख्या है तो सबसे पहले पार्टिकुलर भाग दीजिए। अगर इसके करीब जाना चाहेंगे कि इनके करीब क्या होगा, प्लस के साथ जाए माइनस के साथ जाए, लेकिन जाना पड़ेगा। वो भी कैसे ध्यान देंगे, कहेंगे सर 9×8 = 72 कितना शेष बचा, 5×5 को लिख दीजिए। कहेंगे सर यहाँ पे 9×9 = 81 कितना शेष बचा, 4 लिख दीजिए। कहेंगे 9×8 = 72 कितना बचा, 1 बचा, 9 से हमको भाग देना ही है। और तब तक भाग देते रहेंगे जब तक भाग देने की स्थिति में है, तब तक आपको परेशान करते रहेंगे जब तक आप हाँ ना बोल दें। तो मेरे प्यारे साथी इसका मतलब 5×20 एक 20, अब 20 बटे क्या हो जाएंगे 9, और 9 से भाग देंगे 9×2 = 18, तो शेष कितना बचेगा, तो कहेंगे मेरे प्यारे शेर बहादुर शेष बच जाएगा 2। क्लियर है, एकदम जबरदस्त तरीके से कहीं को दिक्कत ने मार दिए। लेकिन किसी के मन में विचार ये भी आ जाए, अगर ये विचार आ जाए सर आपका बात हम नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि आप अच्छे नहीं हो, तो चलिए भैया 9 से भाग देंगे, 9×72 नीचे आ गए, 9×81 तो 77 और 81 में 4 का डिफरेंस है, तो आगे जा रहे हैं तो -4 आ जाएगा। कहेंगे यस सर -4 आ गया। कहेंगे सर यहाँ भी देखिएगा, अगर लेते हैं 9×8 देखिएगा यहाँ पे भैया 9×81, और कहेंगे कि सर नहीं आगे लेंगे तो 10×90, तो यहाँ पे 90 लेंगे -5 आ जाएगा, -5 लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद 9×72 तो उसमें 9×81 ज्यादा चले जाएंगे, 9×72 भैया, तो यहाँ पे क्या लेना है, कहेंगे सर नहीं माइनस नहीं यार, 1 + 1 के रहने दीजिए, चलो हो गया, तो -- प्लस हो जाएगा, गुना में 5×20 और 20/9 को कहेंगे वही शेष बचेगा कितना 2। अगर एक ही में माइनस लेना चाहते, किसी को मन में ये भी विचार आए सर यहाँ पे देखिएगा 9×81 लेंगे, 77 × 4 = 81 -4 ले लिए। अब कहेंगे सर यहाँ पल्स लीजिए तो 9×72 9×81 हो गया भैया, यहाँ पे कितना बचा, तो कहेंगे 81 × 4 = 85 4 बचा, और गुना वहाँ पे भैया क्या लिख देंगे 9×78 1 बचा। अगर यहाँ कहेंगे सर -4 × 16 हुआ भागा 9, अब आप कैसे करोगे, तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों पहले यहाँ भाग दे दीजिए। देखिएगा कैसे 9 से भाग देंगे तो 9×2 = 18 ज्यादा हो जाता है, 9×1 = 9 कितना बचा -7 बचा। और जब माइनस में आपका आ जाए जिससे आप भाग दे रहे हो उसको एक बार जोड़ दो, तो -7 और +9 तो क्या हो जाएगा 2, यानी आपका आंसर हो जाएगा 2। आप किधर से भी चलिएगा आपका आंसर वहीं जाना है, लेकिन उतना नहीं चलना है, आपको इसके करीब पहुंचना है। प्लस में लेके माइनस में लेकर के कहीं से भी जाइए आपका आंसर वही आने वाला है। चलिए मेरे प्यारे साथियों बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा। अगला प्रश्न को ले लें, कहेंगे यस सर ले लीजिए, आपकी मर्जी, आपकी भी मर्जी है। 67/32 को 68 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे साथी, इसका कॉन्सेप्ट को समझिएगा, हम एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहेंगे। देखिए क्या लिखा है 67/32 और कहता है कि 68 से भाग देंगे, आखिर शेषफल क्या होगा। तो एक चीज हम बताएंगे समझिएगा, जो यहाँ पे संख्या, पावर को छोड़ दीजिए, पावर को गोली मारिए, पावर तो हम कहीं से भी उठा के बैठा देंगे सब काम कर जाएगा, पहले पावर को छोड़िए। जिससे हम भाग दे रहे हैं या जिसमें भाग लग रहा है, इसमें कम से कम छोटा गुणनखंड हो, क्या हो, कम से कम कम अंतर हो, कम से कम कम अंतर लाना कोशिश करेंगे। यहाँ अंतर कम ही है, इससे अंतर ज्यादा है। अब कम से कम अंतर का मतलब है 2 3 1, और प्रायः ये देखेंगे कि ऐसा टर्म तोड़ेंगे या तो इसके गुणज से यहाँ पहुंचेंगे या इसके गुणज से यहाँ पहुंचेंगे, सवाल अभी देखने को मिलेगा। तो उसका अंतर कम से कम हमको हमेशा कोशिश रखना है कि 1 आ जाए, जहाँ 1 आ जाएगा वहाँ आंसर आ जाएगा। ये निश्चित रखिए। और मान लीजिए कभी कभी नहीं पहुंचे, एक बार में दो का अंतर आया तो कहीं ना उसको जाकर के कहीं ना कहीं एक अंतर करेंगे, ठीक है। इसीलिए एकदम एक ही भाषा में कह दें कि कम से कम उसका अंतर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। अगर नहीं है तो खींच के लाएंगे, पकड़ के लाएंगे, लेकिन लाएंगे ही लाएंगे। तो यहाँ पे रूल क्या काम करेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही सुंदर रूल काम करने वाला है। अब यहाँ हम भाग देंगे 68 से 67 में, तो इसमें हम भाग देने में 32 पर पावर है, यानी कि 67 पर पावर 32 है, तो कितना आप लिखिएगा उतना तो आप लिख नहीं पाइएगा। इसका मतलब है इन दोनों का अंतर कर देंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे, 67 में 68 घटा देंगे, -1 होगा। अब -1 पर पावर क्या है, 32 है। और आप जानते हैं किसी भी माइनस पर अगर संख्या जो पावर हो वो सम हो तो इसका मतलब उसका मान आएगा प्लस में, यानी 1 ही आएगा। इसका मतलब अगर ये प्लस में आया तो डायरेक्ट आंसर हो गया, अगर ये माइनस में आएगा तो जिससे भाग दे रहे हैं उसको एक बार जोड़ देंगे, वो आपका आंसर को निर्माण कर लेंगे। जबरदस्ती भाग देना है सर, जबरदस्ती भाग नहीं देना हुआ, ये तरीका है एकदम भाग देने का मेरे प्यारे साथियों। एक आपको उदाहरण देते हैं छोटा सा, चलिए अगर बात करें, अगर देखिएगा 9, सुनिएगा, अगर 9 में हम 8 से भाग देंगे तो आप सब जानते हैं कि भैया 1 शेष बचेगा। अब कह दीजिएगा कि सर कितना एक बार में लगाए तो शेष कितना बच गया, 1 बच गया। बात को समझिए। और कहेगा नहीं सर, हम 9 में अगर 8 से भाग दे रहे थे तो क्या कहता, 9 में 8 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। बात को क्लियर, बात समझ रहे हैं। अगर इसी चीज़ों को अगर देखें थोड़ा सा मेरे प्यारे साथियों, अगर कहेंगे सर हम यहाँ पे लेंगे, क्या लेंगे, 9 है और इसको हम 2 बार में खिलाएंगे, तो यहाँ पे अगर 9 है, अगर ये हम 8 से भाग दें और 2 बार में लगा दें तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो माइनस कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। किसी भी संख्या में -7 आएगा क्या, भाग देने वाली संख्या 9 है, प्लस में नहीं आएगा। तो ये एक बार खुद यहाँ जुटेगा, तो इसमें 8 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, -7 + 8 तो वही 1 आ रहा है, तो वही 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि मेरे प्यारे साथियों इन दोनों का अंतर कम से कम क्या रखना है, 1 रखना है। और यहाँ 1 है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, अपनी भाषा में समझिए, उतनी मैथमेटिकल भाषा लगाना ही नहीं है। इसका मतलब है कि 67 68 का अंतर 1 है, हम भाग दे रहे हैं 67 में, इसलिए 67 में 68 को घटाएंगे -1 पर पावर 32, तो मान क्या होगा, 1 होगा। प्लस में आया तो डायरेक्ट, माइनस आया जिससे भाग दे रहे हैं वो जोड़ देंगे। यानी इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है कि 67 घटा 68 और पर पावर कितना, 32, इसका मान -1, -1 पर पावर 32 का मान 1। और भूल से भी ऐसा ना करिएगा मेरे प्रभु, लाल पेन से लिख दे रहे हैं क्योंकि लाल खतरों का निशान होता है, ऐसा भूल से नहीं कर दीजिएगा 68 घटा 67 और पर पावर 32 है, ऐसा नहीं। जिससे भाग दे रहे हैं उसको घटाना है, उल्टा नहीं करना है, उल्टा करिएगा उल्टा हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न लेना। 99 पर पावर 99 को 100 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल ज्ञात करें। अरे एकदम प्रॉपर्टीज हम पूरा डिटेल से नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर डिटेल्स पढ़ाएंगे इसका सारे भाषा सारे डिफिनेशन लिख देंगे, आप भी एक दिन मैथ को पढ़ा दीजिएगा। हम आपको यहाँ पे एकदम शॉर्टकट डाल रहे हैं कि जिस भाषा से आपके दिमाग में अभी करंट घुसे, क्योंकि आपको एग्जाम को पास करना है, उसी भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि 99 पर पावर 99 है और कह दें 100 से भाग देंगे, तो सबसे पहले देखिए अंतर कितने का है, तो कहेंगे प्यारे साथियों अंतर 1 का है। इसका मतलब 99 में 100 गया, सुनिएगा 99 में 100 घटा देंगे, 99 में 100 घटा देंगे और पावर कितना चढ़ाएंगे मेरे प्यारे साथियों, 99 चढ़ाएंगे। अगर आप देखिएगा यहाँ पे 99 में 100 गया -1 और -1 पर पावर 99 तो माइनस में ही आएगा, क्योंकि 99 आपका क्या है, विषम है। अगर ये विषम है और तो इसका मतलब -1 आ रहा है। क्या ये देखिए प्लस में, ये भी प्लस में भाग देने के बाद शेषफल का भी माइनस आएगा क्या प्रभु, नहीं आएगा। इसका मतलब जिससे भाग दे रहे हैं उसी को जोड़ देंगे और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। और आंसर आपका क्या बताएगा, पहला नंबर बताएगा। एकदम आप सबका आंसर फटाफट आ रहा है, जबरदस्त आ रहा है। बजरंगी कुमार जी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आपको प्रणाम, नमस्कार। एकदम सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए, जितना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप सब प्रयोग करते हैं भैया सभी जगह शेयर कर दीजिए, ताकि सब कोई जुड़ सके, सब कोई पढ़ सके। बहुत सारे वैकेंसी है, समझ रहे हैं, और 1 से 5 तो गर्दा उड़ा दी है वैकेंसी भैया। 197 पर पावर 130 को 196 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। आप लोग को दिसंबर तक ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए भैया। 197 पर पावर क्या है, कहते हैं 130 है और भाग देना है 196 से, तो कहेंगे सर दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 197 196 घटा देंगे 1 होगा। 1 पर पावर 130 तो इसका आएगा 1 और लगा देंगे भैया 1 और 1 कहाँ पर है, कहेंगे सर पहला नंबर पे है ना। चलिएगा अटेंडेंस एक बार आप सब बनाइए, जरूर बनाइए, देखेंगे कौन कौन जुड़े हैं और मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। भैया यहाँ पे एक सवाल है, इस सवालों को गौर कीजिएगा, कैसे हम ढूंढ के पहुँचेंगे, कैसे बना के पहुँचेंगे, ये सवाल अभी आपको बता देगा। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, कहेंगे सर जी 6 पर पावर क्या है, 36 है और भाग कितना दे रहे हैं 215 से। पुष्पेंदु पात्रा जी है कि नहीं भाई, अगर होंगे तो भैया जरूर आप बताइएगा। प्रिया रानी जी, सिंपल बॉय जी, नीतू जी एकदम, गर्दा काजल जी, पुष्पेंदु पात्रा जी हैं एकदम हैं। तो भैया 6 पर पावर 36 215 से भाग देंगे, शेषफल क्या होगा। अब कहेंगे सर ये छोटा है और ये हमारा बड़ा है, कैसे होगा। हमने बताए थे कोई भी प्रक्रिया हो या तो इनको करके चलेंगे या तो इनको करके चलेंगे, लेकिन करीब जाना पसंद करेंगे और आप किसी के करीब जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते भैया, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। अगर ये 215 है, क्या इसको ऐसा तोड़ें जो 215 के आसपास पहुंच जाए आगे पीछे। तो कहेंगे सर यस सर, 6 पर अगर Q डाल दीजिए तो 6 के 36 6 के 216, अगर ये 3 डालेंगे यहाँ 36 है तो 12 या 36, क्योंकि x पर पावर m इंटू n, इसका मतलब m गुना n 12 या 36, 3 को अंदर रखे 12 को बाहर रखे, इसलिए यह 36 है और हमारा नीचे क्या है 215 है। मेरे प्यारे प्रभु, है कि नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए मेरे प्यारे साथियों, अगर 6 पर पावर 3 को 216 कहेंगे तो कहेंगे और यहाँ 215 है ही, और उस पर कितना है 12 है, कितना है 12 है। तो 216 में 215 घटा देंगे, 1 होगा और 1 पर पावर 12 को क्या कहेंगे भैया 1 कहेंगे। आंसर कहाँ पे है, चौथा नंबर, एकदम लगा दीजिए। क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, कोई दिक्कत क्या, कोई तकलीफ क्या, कोई परेशानी क्या। कुमकुम रानी, नेहा कुमारी, चलिए बहुत ही सुंदर एकदम मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या कहता है ये ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, लगा दीजिए आग मेरे प्यारे साथियों ये प्रश्न में और बना डालिए। 75 पर पावर 75 को 37 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों 75 पर पावर 75 है, 75 है। सब तरह से प्रश्न लिए हैं कि कोई भी कन्फ्यूजन आपके अंदर ना रहे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन अगर आ जाए तो हमारे पढ़ाने से क्या फायदा भैया। हमने ये नहीं कहा कि ऊपर वाला को ही तोड़ना है, नीचे वाला को नहीं तोड़ना है। मैंने ये नहीं कहा कि नीचे वाला को तोड़ना है, ऊपर वाले को तोड़ना है। हमने कहा कि दोनों तरफ से कहीं से भी हम पहुंच जाएंगे। तो देखिएगा अभी इसके सारे यहां पहुंचेंगे, 37 दूना 74, यानी इसके गुणज में इसके करीब पहुंचने का है। तो कहेंगे यस सर, 75 में घटा दीजिए 74 और पावर डाल दीजिए कितना 75 75, तो डाल दिए 75 75। अब कहेंगे 1 पर पावर क्या होगा 75 होगा भैया, इसका भी आंसर क्या होगा 1 होगा। लगा दीजिए आंसर आपका आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलिए। बिल्कुल एकदम पुष्पेंदु पात्रा जी, गुरुदेव जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिएगा एकदम। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या कहता है ध्यान देंगे, 43 पर पावर 197 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, 43 है और आप देख रहे हैं कि 197 है, 7 से भाग करेंगे, शेषफल हमको ज्ञात करनी है। इनका टेबल से यहाँ पहुँचने का काम करिए। अगर टेबल से पहुँच रहे हैं, कहेंगे 7 के टेबल में 42 आ जाता है, 7 से 42 42 आता है। तो भैया हम 43 में क्या करा देंगे 42 घटा देंगे, उस पर 197 चढ़ा देंगे, इसका मतलब 1 पर पावर 197 होगा, यानी कहने का मतलब 1 होगा। 1 कितना नंबर पे है, तीसरा नंबर पे। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, ये प्रश्न आप बनाइए, आसान है। देखिए आंसर किसका किसका आ रहा है, बताइए ये प्रश्न भैया, ये प्रश्न आप बताइए, फास्ट बताइए एकदम, देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। आंसर आ गया आप सबका, बहुत ही सुंदर एकदम। आंसर इसी तरह बताते चलना है आप सभी को। मेरे प्यारे साथी 17 पर पावर कहते हैं 200 को रखना है, 17 पर पावर क्या करना है 200 को रखना है। और किससे भाग देना है, 18 से भाग देना है। अगर 18 से मेरे प्यारे साथी अगर भाग दे रहे हैं तो क्या करेंगे, 17 में 18 को घटा देंगे क्योंकि अंतर 1 का है, और उस पर पावर 200 चढ़ा देंगे, इसका मतलब -1 पर पावर 200 होगा। अब देखिएगा -1 पर पावर 200 होगा, तब जानते ये प्लस में आएगा, तो इसका मतलब 1 ही आंसर होगा। लगा देंगे कितना, तीसरा नंबर। चलिएगा मेरे प्यारे साथियों सी एकदम बिल्कुल सही आंसर है एकदम, गर्दा उड़ा दिया आप सब। हो गया आपका आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, जब 7 पर पावर 19 प्लस 2 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे सवाल को देखिएगा कितना सुंदर है, 7 पर पावर 19 प्लस 2 को हमको किससे भाग करना है, 6 से भाग करना है, शेषफल बताना है। एक चीज आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों की x प्लस y में अगर 2 से हम भाग देते हैं तो इसका मतलब साफ है कि x/2 भी लिखेंगे प्लस y/2 भी लिखेंगे, x/2 भी लिखेंगे और y/2 भी लिखेंगे। इसका मतलब दोनों में भाग देने की स्थिति में है, यानी दोनों में हम भाग करेंगे। इसका मतलब साफ साफ यहाँ है, एकदम समझिएगा यहाँ पे कि यहाँ जो हम करने वाले हैं कि ये जो भाग लगेगा तो इनमें भी लगेगा, इनमें भी लगेगा। तो देख रहे हैं कि इनमें भाग लगने की स्थिति में, इनमें लगने की स्थिति में नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो इसमें भाग देंगे भैया, इसका रूल वही काम करेगा जो रूल काम करते आया है। 7 में 6 करेंगे, घटा देंगे। अगर हम विस्तार से लिखें तो ऐसे करेंगे, ऐसे आप लोग लिखिए ना, डायरेक्ट करिएगा। 19 प्लस यहाँ 2 लिखिएगा, बटे 6 से भाग दे ही रहे हैं आप। 7 में 6 गया 1, 1 पर पावर 19 को 1 कहेंगे और प्लस 2 लिखेंगे, बटे 6 लिखेंगे। और यहाँ 3 है, 3/6 लिखेंगे। 6 से ज़्यादा होता तो भाग देते, 6 से कम है इसका मतलब 3 भाग देने की स्थिति में नहीं है। तो 3 हमारा आंसर हो गया। हमारा कितने नंबर पर चला जाएगा, पहला नंबर पर चला जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। अगला प्रश्न ले लें, यस ले लेते हैं। अगला प्रश्न को बना डालिए आप, तब तक हम देख लेते हैं भैया एक बार इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं ना। ये प्रश्न को बनाइए, जब 33 पर पावर 21 को 5 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। इसका आंसर बताइए। अजय आनंद जी गुड इवनिंग आपको भी। बफरिंग तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे नेट प्रॉब्लम हुआ होगा। चलिएगा मेरे प्यारे साथी, सवाल क्या कहता है ध्यान दे दीजिएगा कि जब 3 पर पावर 21 को कहता है 5 से अगर हम विभाजित करें तब शेषफल क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों अब यहाँ पे ऐसा एक सवाल आया कि 3 और 5 में 2 का अंतर है। अब आपको यहाँ कोशिश रखना है कि 3 से भी पहुँचे या हम 5 से भी पहुँचे, दोनों से पहुँचने का चांस है। हमने अभी बात की थी, पहले से पहुँचे या दूसरे से पहुँचे कोई प्रभाव नहीं है। जब ऐसे सवाल आपका मिल गया कि दोनों से पहुँचना ही निश्चित है तो एक चीज़ देखिएगा, 3 का अगर हम 3 × 3 = 9, 5 × 2 = 10, 9, 10 में 1 का अंतर है, कहेंगे है। इसका मतलब भैया 3 का स्क्वायर चढ़ाएंगे तो 9 होगा, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे साथ किसों पर ध्यान रखिएगा, इससे नहीं कर दीजिएगा, किस भी रखना होगा। अगर ये 10 रखेंगे तो 10 दूनी 20 तो भी 1 है, तो 3 पर पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए अगर इसमें किसी को लिखने में तकलीफ है तो बताइएगा, कहेंगे सर कैसे। 3 पर पावर 20, 10 दूनी 20 और 3 पर पावर 1, जब बेस समान हो, बेस समान हो तो पावर जुटता है। यहाँ 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी इस खंड को इस खंड में बदल सकते हैं, अगर इस खंड में बदल सकते हैं तो कोई टेंशन नहीं है भैया। यहाँ पे देखिएगा 3 × 3 = 9 हो जाएगा। अब 9 पर पावर आप 10 चढ़ा सकते हैं, कोई भी तकलीफ नहीं है। गुना 3 लिख दीजिए, बटे 5 लिख दीजिए। अब 9 देखिए, 5 दूनी 10, अब कहिए 5 दूनी 10, बोलिए 9 में घटा देंगे 10। हम अगर पूरी प्रक्रिया के साथ चलें तो ऐसे मिलने वाले हैं आपको। 3 पर पावर 1 है, 3 रहने दिए, ये 5। अगर हम बात करें भैया 9 में 10 गया 1, माइनस में, अब माइनस पर पावर सम रहे तो 1 ही आएगा। तो 1 गुना 3 और बटे क्या है 5, यानी 3/5। और 5 से भाग देने की स्थिति में नहीं है 3, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा पहला नंबर पे। एकदम क्लियर है। चलिएगा, कहते हैं हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और लाइफ में कहते हैं आगे बढ़ते रहिए, यही एक चीज़ तो करना है भैया। अगला सवाल क्या है, एकदम पूरा का पूरा सवाल सब पढ़ा देंगे भैया, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेड कोर्स की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगा। और कहते हैं एग्जाम जाइएगा देने के लिए और देखिएगा सवाल कितने अच्छे से बनते हैं। कल तक में ये सिस्टम खत्म, फिर LCMS है, फिर रेशियो है, फिर एज है, फिर एलिगेशन है, सिंपल इंटरेस्ट, SICI, जितना भी सब चीज़ रहेंगे सब चीज़ को पढ़ा देंगे आपको। जब 2 पर पावर 243 को 3 पर पावर स्क्वायर से विभाजित किया जाता है तब शेषफल ज्ञात करें। आखिर तब शेषफल क्या आएगा मेरे भाई, देखिएगा 2 पर पावर 243 है, 3 पर पावर स्क्वायर का मतलब 9 से भाग करना, तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। ये 8 तक जा सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, हाँ। और ये 8 और 9 का अंतर 1 होगा, तो 2 पर पावर Q डाल दीजिए, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और उस पर 243 है तो 8 × 3 = 24, 3 × 3 = 81 डालेंगे, यानी जो यहाँ लिखेंगे उससे भाग देंगे, यहाँ गुणनफल में आ जाएगा। अब 9 कर देना है। अब यहाँ इसको लिख सकते हैं 8 पर पावर 81 और यहाँ लिख सकते हैं 9। अब देखिए 8 में 9 मतलब मैं लाइन चला गया भैया, अगर क्लास इतने में समाप्त हो जाएगा तो क्षमा चाहेंगे। अब देखिए 8 में 9 गया -1 और -1 पर पावर हम चढ़ा दें फास्ट, -1 पर पावर क्या 81। इसका मतलब है भैया माइनस में ही आएगा ये 1 और इसमें जिससे भाग दे रहे जोड़ देंगे +9 बराबर हो जाएगा 8, यानी 8 आंसर लगा दीजिए। ठीक है, आज इतना ही रहेंगे क्लास मेरे प्यारे साथियों। अचानक लाइन चला गया और आप सब समझ सकते हैं कि हमारे पास समस्या थोड़ा है लाइन का, कि कभी कभी बीच बीच में चला जाता है, तो इसके लिए हम आप सभी से क्षमा चाहेंगे। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा, बहुत भूत लग रहे हैं सर जी। लाइन चले जाने के बाद भूत ही देखने को मिलता है। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं आप सब के साथ। थोड़ा देर के लिए क्षमा चाहेंगे, क्लास लेने का काम किए, फिर हम जो शेष सवाल बचा उस शेष दिन में बात कर लेंगे एकदम जबरदस्त तरीके से। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, एकदम आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुभ रात्रि। रात्रि को देखिए, रात्रि कैसे रात्रि को विश किया जाता भैया। चलिए फिर मिले हम, तो चलिए नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। बहुत जल्द व्यवस्था हो जाएगा, चिंता नहीं करना है मिस्टर।